फटाफट नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। अगले हफ्ते जीएसटी बिल पास होने की बड़ी उम्मीद। साल 1947 के बाद देश की कर नीति में बड़ा बदलाव। सरकार ने हफ्ते की शुरुआत में ही बिल को पेश करने का किया ऐलान। कांग्रेस के अलावा कई क्षेत्रीय पार्टियों से बातचीत कर आम सहमति बनाने में जुटे हैं वित्त मंत्री। डीएमके का रुख भी हुआ नरम। देश के कई राज्य बाढ़ से बेहाल। नेपाल से आए पानी की वजह से बिहार में बाढ़ से 26 लोगों की मौत, 22 लोग प्रभावित। असम में नहीं सुधर रहे हालात। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज असम में लेंगे बाढ़ के हालात का जायजा। यूरिया के लिए लंबे इंतजार की बात अब हुई पुरानी। सरकार ने कहा यूरिया की मांग को देखते हुए पूरा करने में सक्षम। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधामोहन सिंह का राज्यसभा में बयान। आजादी के बाद पहली बार यूरिया के लिए नहीं हुआ संघर्ष। सरकार ने पोटाश और डीएबी के दाम भी किए कम। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में दिया भरोसा। कहा आंध्र और तेलंगाना के गठन के समय किया गया हर वादा पूरा होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा आंध्र प्रदेश के विकास में पूरी मदद देगी सरकार। केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश राज्य को तब तक मदद और सहयोग देते रहेगा जब तक आंध्र प्रदेश विभाजन से होने वाले नुकसान की भरपाई नहीं कर लेता। लोकसभा में उठा मंदसौर का मामला। गृह मंत्री ने कहा राज्य सरकार कर रही है पूरी कार्रवाई। मध्य प्रदेश के मंदसौर रेलवे स्टेशन पर मांस तस्करी के आरोप में 2 महिलाओं की पिटाई का मामला। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में बारिश की वजह से गुरुग्राम में ट्रैफिक जाम समस्या को लेकर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से की बात। राज्य में स्कूल 2 दिन के लिए बंद। मुंबई में लोकल ट्रेनों की यात्रा करने वाले लोगों को जल्द ही मिलेगी राहत। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि लोकल ट्रेनों में भीड़ को देखते हुए सरकार ने मुंबई की तीनों लाइनों पर एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया है जिसके लिए राज्य सरकार से बात हुई है। श्रीलंका के साथ मछुआरों के मुद्दे पर स्थानीय समाधान ढूंढने के प्रयास के तहत विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने शुक्रवार को विभिन्न पक्षों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की और विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। बैठक में तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, ओडिशा के प्रतिनिधियों के अलावा तमिलनाडु मछुआरा संघ के 13 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हुए चुनाव में धांधली पर केंद्रीय गृह मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा पीओके और बलूचिस्तान में पहले से ही होता आ रहा है। इस बीच पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान के झंडे जलाए गए। यदि आप अब तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाए हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर को छोड़कर देश के सभी राज्यों में इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 5 अगस्त कर दी गई है, जबकि जम्मू कश्मीर राज्य इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख 31 अगस्त कर दी गई है। सीरिया के इदबिल प्रांत में एक मैटरनिटी अस्पताल पर बम गिराए जाने से कई लोगों की मौत। हवाई हमले के दौरान एक बम अस्पताल के प्रवेश द्वार पर गिरा। हमले में कई मरीजों और अस्पताल के कर्मचारियों के भी हताहत होने की खबर। प्रशांत महासागर में स्थित अमेरिका के मैरियाना आइलैंड में 7.7 तीव्रता का भूकंप के झटके महसूस किए गए। तीव्र भूकंप के बाद भी नहीं जारी की गई थी सुनामी की कोई चेतावनी। समुद्र में 117 मील की गहराई पर था भूकंप का केंद्र। किंगस्टन में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैच आज से। सीरीज में 0-1 से पिछड़ रही वेस्टइंडीज की टीम इस मुकाबले में जीत के इरादे से मैदान पर उतरेगी। कोहली की टीम जीत की लय को बरकरार रखते हुए सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाने की हर मुमकिन करेगी कोशिश। पटना पायरेट्स और जयपुर पिंक पैंथर्स के बीच खेला जाएगा कबड्डी लीग का फाइनल मैच। हैदराबाद में खेले गए पहले सेमीफाइनल में मौजूदा चैंपियन पटना पायरेट्स ने पुणे को रोमांचक मुकाबले में 37-33 से हराकर लगातार दूसरी बार फाइनल में जगह बनाई। दूसरे सेमीफाइनल के पहले संस्करण के विजेता जयपुर पिंक पैंथर्स ने तेलुगु टाइटंस को 34-24 से करारी शिकस्त दी। डोपिंग के कारण रूस की भारोत्तोलन टीम को रियो ओलंपिक में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी की जांच में रूस के 10 संभावित खिलाड़ियों के नाम सामने आए हैं। भारोत्तोलन संघ का कहना है कि खेल को पाक साफ बनाए रखने के लिए रूसी खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरों को हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।